नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया और नवाबों की नगरी हुसैनाबाद में हम मौजूद हैं और तमाम युवा के साथ साथ खुद नवाबजादे भी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं। सर, ये बताइए, जो स्थिति है अभी देश में और जो आपके नेता हैं यहाँ से, उन्होंने कितना फ़ायदा दिया यहाँ की जनता को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। किसी एक इंसान में सारी क्वालिटीज़ नहीं होती और एक इंसान में सारी ख़राबी नहीं होती, और एक इंसान सबको खुश रखे ये भी उसके बस की बात नहीं है। और अब तक हमारे राज्य में या हमारे देश में जो कुछ भी काम हुआ है, तरक्की का, उन्नति का, डेवलपमेंट का, वो छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल ये बात समझी जा सकती है, देखी जा सकती है, परखी जा सकती है। प्रेजेंट जो सरकार है अभी, जब 2014 में प्रधानमंत्री का कार्यकाल, यहाँ के लोगों को क्या कुछ मिला, इसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री ने वादे किए थे उनमें बहुत सारे वादे किसानों को मिले हैं, गरीब जनता को मिले हैं, और मिला जुला करके वो सही से चल रही है सरकार। मतलब ये सरकार पसंद आई है यहाँ के लोगों को? देखिए, हमने आपको पहले ही कहा कि एक इंसान सबको कुछ नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक, लेकिन फिर एक उम्मीद जो थी, उम्मीदों पे भी खरे उतरे कि नहीं? देखिए, इतने कम पीरियड में किसी भी हुकूमत के लिए ये असंभव है कि वो अपने हर वादे के ऊपर खरी उतरे। मतलब एक और मौका देना चाहिए लोगों को? अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि एक मौका मिलेगा? देखिए, हमने पहले कहा कि ये हमारे सोच, एक आदमी को सोचने से कुछ नहीं होगा, ये पूरी जनता को सोचना होगा। पूरी जनता को सोचना, बिल्कुल। जो वादे थे वो कितने पूरे हुए, यंगस्टर से हम जान लेते हैं, क्या कुछ जो वादे थे वो पूरे होते दिखे? नहीं, वादे तो पूरे नहीं होते दिखे हैं। इस सरकार में वादे 15 लाख का था, युवा को रोजगार का था, किसान हत्या हो रहा है, किसान का माफ नहीं हो रहा, हत्या होगा ही। कर्ज जो है, कर्ज में दबा, हाँ, कर्ज में दबा हुआ है, तो कैसे वादा पूरा हुआ है? वादा तो नहीं पूरा हुआ है। इसलिए ये सरकार न युवाओं को, न किसानों को, न बेरोजगारी दूर हुआ है, कोई चीज में वादा नहीं पूरा हुआ है। इसमें यहाँ हो रहा है, ये ऐसा सरकार है, इस सरकार में हिंदू मुस्लिम पर सरकार है, राम मंदिर पर सरकार सरकार आप बहस कर रहे हैं, रोजगार पर तो बहस है नहीं, बोलिए। ये राज्य सरकार के भी यही हाल है। राज्य सरकार के बारे में क्या कहते हैं, जो अभी नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं राज्य की, खुश है इस कार्यकाल? नीतीश कुमार तो एक फेकू इंसान है। फेकू इंसान क्यों है? गठबंधन बनाने का बाद भी कुछ महीना चलाया, कुछ 4 महीना 6 महीना चलाया, उसके बाद पलटी मार दिया, तो पलटू राम का कोई भरोसा नहीं है, वोट लेके कोई इज्जत नहीं है। गठबंधन बना सरकार बनाने के लिए, हम लोग मेहनत किए, सरकार बनाया गठबंधन, उसके बाद हम लोग को धोखा देके नरेंद्र मोदी का साथ में निकल गए। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको चिराग पासवान आते हैं, आपके एमपी चिराग पासवान, उनका कार्यकाल आप लोग पसंद आया? अभी तक तो कोई हमको पसंद नहीं आया, कोई काम ही नहीं हुआ चिराग पासवान के द्वारा, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। चिराग पासवान तो मिलने के लिए नहीं आए। चिराग पासवान मेरे क्षेत्र में जब 4.5 साल गुजर गया, उनके क्षेत्र से मैं शेखपुरा विधानसभा, जमुई लोकसभा के शेखपुरा विधानसभा में 2.5 साल के बाद हमारे क्षेत्र में येरेडी के ब्लॉक की तरफ उन्होंने एंट्री मारे। 2.5 साल पहले ही कहाँ थे कोई पता नहीं है। जब चुनाव होने वाला है 6 महीना के बाद, 2.5 साल के बाद नजर पड़े, उसके बाद फिर बीच में अभी आए थे और उसके बाद कोई भी काम नहीं। वो ऐसा इंसान है कि उनको उससे मिलना को लगता है कि भाई वो क्या प्रधानमंत्री है, क्या उससे मिलने के लिए नहीं टाइम मिल पाता है। जनता की सेवा के लिए रखा जाता है और जनता का सेवा नहीं हो पा रहा है क्या एमपी द्वारा? जी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ झूठा सरकार एक है और जाति पाति करने के लिए। और नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हो, वो तो समझिए कि पलटू राम है, आज इधर कल उधर, सिर्फ बोली का है कि इंजन डबल डबल सरकार, ऐसा कुछ है नहीं। तेज विकास होने की बात जी नहीं, एकदम विकास के नाम पर एकदम झूठ है, हर जगह झूठ बोला जा रहा, सिर्फ विकास के नाम पर एक हिंदू एक मुसलमान का लड़ाया जा रहा है, कभी राम मंदिर तो कभी कुछ, कभी बाबरी मस्जिद, इससे हम लोग नाखुश एकदम। कौन निकल के आएगा, क्या लग रहा है? महागठबंधन एक तरफ है और एक तरफ प्रधानमंत्री अलग एक तरफ। देखिए, बात जहाँ तक है महागठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी नीति और करने में बहुत अंतर है। इन्होंने वादा बहुत किया, लोक लुभावन, एक भी सही से धरातल पर पूरा नहीं हुआ। आज
का नौजवान इधर उधर भटक रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं, सिर्फ ध्यान है अपने विदेश की दौरा। जनता यहाँ भूखी मर रही है, कोई इस पर कोई एतराज नहीं है। तो क्या स्थिति दिख रही है यहाँ से जो एमपी बने हैं चिराग पासवान, क्या युवा एक बार उनको साथ देंगे? जी नहीं, एकदम पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है? एकदम नहीं। 2019 में जी नहीं 2019 में इसका जवाब उनको मिल चुकेगा अच्छे तरीके से, ये भरोसा रखिए। तमाम जनता को समझ में आ गया है कि 2019 के चुनाव में चिराग पासवान को नहीं देना, क्योंकि 14 के चुनाव में मैंने चिराग पासवान को दिया और चिराग पासवान कैसे काम किए वो तो सब तमाम जमुई लोकसभा की जनता जान रही है और देख रही है। और आप भी मीडिया वाले हैं और आप भी देखिए, लोगों से मिलिए, किसान से, युवाओं से देखिएगा, बोलिएगा कि उस संसद तो नजर ही नहीं पड़ते। और जो यहाँ नीतीश कुमार के MLA है रणधीर कुमार सोनी के बारे में, वो रणधीर कुमार सोनी अगर विकास की बात करते, 10 साल उन्होंने MLA रहा, उनकी सरकार रही, वो चाहते तो इस विकास कर सकते थे, लेकिन कोई विकास नहीं। खेल का मैदान देखिए, जमीन रहते हुए खेल का मैदान बनाने वाला कोई नहीं है, सब कुछ रहते हुए नहीं बना पा रहे हैं क्षेत्र के MLA वाला जिसकी सरकार हो, माने कि उन लोगों से मिल भी नहीं रहे, लोगों से मिल नहीं रहे, कहाँ रहते हैं पता नहीं चलता। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि तमाम शेखपुरा के युवाओं ने अपनी राय रखी, आप भी अपनी राय जरूर रखें। आप देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया, कैमरा पर्सन राज तिलक के साथ मैं तनवीर आलम।